आप सुन रहे हैं कहानी हमारी अधूरी कहानी। इसके लेखक हैं आशीष कुमार त्रिवेदी और इस कहानी को आवाज दे रहा हूं मैं चारु मोहन। भाग एक। दिल्ली से लखनऊ जा रही रोडवेज की बस हाईवे पर दौड़ रही थी। बस के अंदर सभी यात्री अपने अपने में व्यस्त थे। बस के कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि आगे जो भी ढाबा नजर आए वहां बस को कुछ देर के लिए रोक दे। ड्राइवर को भी उसका सुझाव सही लगा। बस एक ढाबे पर रुकी। कंडक्टर ने सबसे कहा, बस कोई आधा घंटा यहां रुकेगी, जिसको चाय पीनी हो पी लो, टॉयलेट जाना हो आओ, लेकिन समय पर बस में बैठ जाना, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सब बस से उतरने लगे। रमेश भी उतरना चाहता था, पर उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का एक आदमी उसके कंधे पर सिर रखकर ऊंग रहा था। रमेश ने उसे हिलाकर जगाया। वो आदमी हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ, ये बस क्यों रुक गई? रमेश ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक ढाबे पर रुकी है, आपको भी अगर कुछ खाना हो तो चलिए। रमेश ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसके पड़ोस में बैठे आदमी ने रोकते हुए कहा, रुको भाई, एकदम से कहां भागे जा रहे हो, ठहरो मैं भी आता हूं। रमेश उस आदमी से पीछा छुड़ाना चाहता था। जब से वो बस में चढ़ा था उसने अपनी बक बक से रमेश को परेशान कर दिया था। वो तो न जाने कैसे वो उसके कंधे पर सर रखकर सो गया था। इससे रमेश को कुछ देर के लिए राहत मिली थी। बिना उसे जगाए रमेश के लिए बस से उतरना संभव नहीं था। बस में बैठे बैठे वो ऊब गया था। कुछ देर वो अपने पैर खोलना चाहता था। सर भारी हो रहा था, उसे एक चाय की सख्त जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसे उस आदमी को जगाना पड़ा। रमेश ने बस से उतरते हुए कहा, नहीं रुक सकता मैं, मुझे टॉयलेट जाना है। बस से उतरकर रमेश ने अंगड़ाई ली, फिर अपनी टांगों को झटक कर खोला। उसके बाद चहलकदमी करते हुए ऐसी जगह देखने लगा जो एकांत में हो और वो आराम से बैठ सके। उसे बरगद के पेड़ के बगल में एक जगह दिखाई पड़ी। रमेश ने उस जगह की ओर इशारा कर ढाबे पर काम करने वाले लड़के से कहा, एक कड़क चाय वहां पहुंचा देना। रमेश अपनी पसंद की जगह पर गया। वहां एक चारपाई पड़ी थी। उसने अपना बैग चारपाई पर रखा, उसका तकिया बनाकर आराम से लेट गया। लेटे हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वंदना कहां गई होगी? जो कुछ उसने सुना वो सही तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर वो गई कहां? उसे तो कुछ पता भी ना चलता। वो तो उस दिन जब उसकी छोटी बहन रजनी का फोन आया था तब बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया कि वंदना अपनी ससुराल से कहीं गायब हो गई है। उसके बाद उसने बहुत पूछा पर उसने कुछ नहीं बताया। पर वंदना के बारे में मिली आधी अधूरी जानकारी ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी थी। उसने अपने बचपन के दोस्त सतीश को फोन किया। पहले तो उसने भी गोलमोल बात कर टालने की कोशिश की, लेकिन उसके बहुत पूछने पर उसने बताया कि वंदना अपने ससुराल से गायब है। पहले तो उसके ससुराल वालों ने यह बात छिपा कर रखी, लेकिन जब सावन में वंदना का बड़ा भाई नवीन उसे विदा कराने गया तो उसके पति रघुनाथ ने बताया कि वो उन लोगों के मुंह में कालिक पोत कर किसी आशिक के साथ भाग गई। कुछ दिनों तक दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप हुए। उसके बाद वंदना के घर वाले शांत हो गए। उन्होंने मान लिया कि वंदना सचमुच किसी के साथ भाग गई है। रमेश का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। साहब चाय। रमेश अपने ख्यालों से बाहर आया। ढाबे में काम करने वाला लड़का चाय लिए खड़ा था। वो उठा और उसके हाथ से कुल्हड़ ले लिया। कुछ खाने के लिए भी लाऊं साहब? नहीं। लड़का वहीं खड़ा रहा। क्या बात है भाई, घबराओ नहीं, जाते समय पैसे देकर जाऊंगा, भाग नहीं जाऊंगा। वो साहब ये जगह एकांत में है ना, इसलिए मालिक ने बोला कि पैसे लेकर आना। रमेश ने कुछ नाराजगी से उसकी तरफ देखा। उस लड़के ने कहा, क्या करूं साहब, मैं तो नौकर हूं, मालिक का हुक्म तो मानना पड़ेगा। रमेश ने देखा उस लड़के की उम्र 15-16 की होगी। उसका छोटा भाई भी इतना ही बड़ा है। उसे उस लड़के पर तरस आ गया। चाय का कुल्हड़ जमीन पर रखकर उसने अपना बटुआ निकाला। कितने हुए? 12 रुपए साहब। 12 रुपए? हर जगह तो 10 रुपए की मिलती है साहब, स्पेशल है, पीकर देखिए। रमेश ने 12 रुपए दे दिए। लड़के के जाने के बाद वो चाय पीने लगा। लड़के ने सही कहा था,
चाय वाकई में बाकी जगहों से अलग थी। वो चाय का मजा लेने लगा। अरे भाई तुम यहां बैठे हो, मैं बड़ी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। कहते हुए उसके साथ सफर करने वाला आदमी चारपाई पर बैठ गया। उसका शरीर थुलथुल था। उसके बैठने से चारपाई हिल गई और रमेश की चाय छलक गई। इस सब पर ध्यान दिए बिना वो आदमी बोला, हमारा नाम पप्पू दुबे है, छोटा सा कपड़ों का कारखाना है, ऑर्डर पर स्कूल यूनिफॉर्म और बाकी के कपड़े से ले जाते हैं। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, पर इससे पप्पू जरा भी निराश नहीं हुआ। तुम्हारा क्या नाम है? बस में तो कुछ पूछ ही नहीं पाया। रमेश ने बेरुखी से कहा, अभी हमें आगे भी एक साथ सफर करना है। हाँ भैया, खूब मजा आएगा, बातें करते चलेंगे। वैसे तुमने नाम नहीं बताया अपना। रमेश। सिर्फ रमेश? आगे भी तो कुछ होगा, पूरा नाम बताओ। रमेश कुमार सिन्हा। तो सिन्हा साहब कहाँ के रहने वाले हो? पप्पू ने उसका जवाब सुनने से पहले ही अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। वैसे हम तो बांगरमऊ के हैं, पर लखनऊ में हमारा कारखाना है, इसलिए हम बीवी बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। एक जरूरी काम से दिल्ली गए थे। आप भी वहीं रहते हो सिन्हा साहब? नहीं, मलिहाबाद में। अरे वहां के तो दशहरी आम बहुत मशहूर हैं। आपके भी बागबाग हैं क्या? रमेश को लग रहा था कि अगर वो आदमी इसी तरह से बात करता रहा तो लखनऊ पहुंचते पहुंचते वो पागल हो जाएगा, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। पप्पू की दिलचस्पी बागों से हटकर रमेश के काम पर आ गई थी। वैसे डील डॉल तो तगड़ा है, क्या फौज में हो? बीएसएफ में। अरे एक ही बात है, करते तो देश की रक्षा ही है ना सिन्हा साहब। रमेश उठकर खड़ा हो गया। पप्पू ने कहा, क्या हुआ भैया, उठ क्यों गए? बस के चलने का समय हो रहा है। अच्छा इतनी जल्दी? हम तो कुछ खाए पिए भी नहीं। तो जाकर खा पी लीजिए, अभी 10 मिनट हैं, मैं बस में जाकर बैठता हूं। रमेश ने अपना बैग उठाया और तेज कदमों से बस की ओर चल दिया। जब वो बस के अंदर पहुंचा तो बहुत सारे लोग वापस आकर अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। वो भी अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे दो यात्रियों के बीच बहस होती सुनाई पड़ी। उसकी सीट से दो सीट पहले एक लड़के और एक बुजुर्ग महिला के बीच कहासुनी हो रही थी। लड़का कह रहा था, आंटी जी आप भी अजीब बात कर रही हैं, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूं तो आपको क्या तकलीफ है? अरे वाह, तकलीफ क्यों नहीं होगी, गेम खेलते हुए बार बार उछलते हो, फिर आवाज भी कितनी तेज है। ठीक है आंटी, मैं आवाज कम कर लूंगा, मेरे पास ईयरफोन नहीं है। आवाज कम कर लोगे पर गेम खेलते हुए कभी इधर होते हो तो कभी उधर, ऐसे कोई मोबाइल पर गेम खेलता है? अब घर जाकर खेलना, मैं नहीं खेलने दूंगी। ये क्या बात हुई भला, आपने बस खरीद रखी है क्या? आपकी तरह मैंने भी टिकट लिया है। हाँ तो चुपचाप ट्रेवल करो, दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हो? लड़का चुप हो गया। वो बुजुर्ग महिला से बहस कर रहा था, सब उसे ही घूर रहे थे। रमेश उन दोनों के पास जाकर उस बुजुर्ग महिला से बोला, मैम आपकी समस्या का हल हो सकता है, मुझे गेम खेलने का शौक नहीं है, मैं इस लड़के से अपनी सीट बदल लेता हूं। रमेश ने उस लड़के से कहा, तुम चाहो तो मेरी सीट पर जाकर बैठ जाओ। उसने अपनी सीट की तरफ इशारा किया, मेरे साथ जो हैं उन्हें शोर से परहेज नहीं है। यही ठीक रहेगा सर, बुजुर्ग महिला ने भी सहमति जताई। लड़के ने अपना बैग लिया और रमेश की सीट पर बैठ गया। बस चलने का समय हो रहा था। कंडक्टर ने देखा कि पप्पू की सीट खाली है। अरे अब ये भाई साहब कहां रह गए? कंडक्टर ने दरवाजे पर जाकर बाहर झांका। पप्पू आराम से धीरे धीरे आ रहा था। कंडक्टर ने आवाज लगाई, ओ भाई साहब क्या मॉर्निंग वॉक पर निकले हो, जल्दी करो बस चलने वाली है। कंडक्टर की पुकार सुनकर पप्पू ने अपनी चाल तेज की, बस के पास आकर बोला, काहे हड़बड़ी मचाए हो, कोई मिलिट्री का टाइम है जो एक दो मिनट इधर उधर नहीं हो सकता। बस में चढ़ते हुए पप्पू हांफ गया। अपनी सीट पर पहुंचा तो बगल में किसी और को देखकर हैरान हो गया। उसने निगाह दौड़ाई, रमेश बुजुर्ग महिला के पास बैठा था। वो जानबूझकर खिड़की के बाहर देख रहा था। पप्पू ने आवाज लगाई, अरे सिन्हा साहब आप वहां कहां बैठ गए, आपकी सीट तो यहां है। रमेश कुछ कहता उससे पहले कंडक्टर बोल पड़ा, अरे अब बैठिए भी, बस चलनी है। पप्पू अपनी सीट पर बैठ गया। बस वहां से आगे बढ़ गई। रमेश खिड़की के बाहर देख रहा था, बाहर अंधेरा था। शाम के करीब 5 बजे वो निजामुद्दीन स्टेशन से बस में बैठा था। उसने अंदाजा लगाया कि 12 से 12:30 के बीच बस लखनऊ पहुंच जाएगी
उसके बाद मलिहाबाद तक का सफर करना है। उसने अपने एक दोस्त से बात कर ली थी। दोस्त एक कंपनी में क्लर्क था, शादी नहीं हुई थी, अकेला था। रमेश ने सोच लिया था कि रात में दोस्त के यहां ठहर कर अगले दिन सुबह मलिहाबाद के लिए निकलेगा। जब से उसे वंदना के बारे में पता चला था, उसका मन छटपटा रहा था। वो कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि वो अपना ससुराल छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, वो मामले की तह तक पहुंचेगा। उसने फौरन एक महीने की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी। उसके ऑफिसर ने एप्लीकेशन देखकर पूछा कि क्या वो शादी करने जा रहा है। रमेश ने जवाब दिया कि अभी उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, उसके घर में कुछ जरूरी काम है इसलिए जा रहा है। छुट्टी मंजूर हो जाने के बाद वो फौरन ही शाम को बस से लखनऊ के लिए निकल पड़ा। रमेश के जहन में वंदना ही घूम रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने उस समय हालात के आगे सर झुका दिया था, क्यों नहीं लड़कर अपने बचपन के प्यार को हासिल कर लिया था। उसके गांव का स्कूल तब केवल 8वीं कक्षा तक ही था। उसके बाद पढ़ने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था। इस स्कूल की फीस तो अधिक थी ही, दूसरे ये स्कूल कोएड था, अतः लोग लड़कों को तो आगे पढ़ाते थे पर अधिकांश लड़कियां उसके बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। 9th क्लास की शुरुआत में सब लड़के बड़े उत्साहित थे। अब तक गांव के स्कूल में लड़के लड़कियों की क्लासेस अलग अलग लगती थी, पर यहां लड़कियां भी एक ही क्लास में पढ़ने वाली थी। रमेश की क्लास में कुल 30 बच्चे थे, जिनमें 8 लड़कियां थी। इनमें एक वंदना थी। वंदना के दादाजी ने उसके माता पिता के विरोध के बावजूद भी उसे आगे पढ़ने के लिए स्कूल भेजा था। क्लास 1 थी, पर ये 8 लड़कियां दाईं तरफ की पहली 3 बेंचेस पर बैठती थी। रमेश को ये नहीं पता था कि ये क्लास टीचर ने तय किया था या उन लड़कियों ने खुद। लड़कों ने भी चुपचाप इस व्यवस्था को मान लिया था। रमेश बाईं ओर की रो में 3री बेंच पर बैठता था। वहां से वंदना की सीट साफ दिखाई देती थी। न चाहते हुए भी बरबस रमेश की नजर चोरी चोरी उधर उठ ही जाती थी। रमेश के मन में वंदना की सांवली सलोनी सूरत ने अपना कब्जा कर लिया था। अचानक ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। रमेश अतीत से वर्तमान में आ गया। रमेश की इस रोचक कहानी में आगे क्या होता है, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप, और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।